केरल में सबरीमाला मंदिर के कपाट आज यानी शनिवार को खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु 2 महीने तक सबरीमाला मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। सबरीमाला में आज से मंडला पूजा की शुरुआत होगी। महिलाओं के प्रवेश और सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर के पास 2500 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। शनिवार शाम सबरीमाला मंदिर के खुलने के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने, उनकी सुरक्षा और किसी भी तरह की अनहोनी से पहले से टाल देने के उद्देश्य के साथ पठान मठित्ता में अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए 17 नवंबर से ही प्रवेश कर पाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को दिए गए फैसले के बाद महिलाओं के पास सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने के अधिकार बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला फैसले पर पूर्ण विचार याचिका को बड़ी बेंच के पास भेजा है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि परंपराएं धर्म के सर्वमान्य नियमों के मुताबिक हों और आगे 7 जजों की बेंच इस बारे में अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल मंदिर में कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। सबरीमाला मसले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस का असर सिर्फ इस मंदिर नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, 11वीं में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर ही पड़ेगा। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परंपराएं धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। अब बड़ी बेंच में जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं के दरगाह मस्जिदों में प्रवेश पर भी सुनवाई की जाएगी और ऐसी सभी तरह की पाबंदियों को दायरे में रखकर समग्र रूप से फैसला लिया जाएगा।